Hello children, today we will do chapter 6 of EVS, our community. Community means a group of people who live together in the same place and who share and work together is called community. Community का मतलब होता है कि लोगों का एक ग्रुप जिसमें वो साथ में एक ही जगह पर रहते हैं और काम को शेयर करते हैं और फिर बनती है कम्युनिटी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन. आज हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट्स? रेजिडेंट्स का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, रहने वाली जगह को रेजिडेंट्स बोलते हैं. तो वेलफेयर उनकी भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं उनके उनका जिसमें लोगों का रहने वाले लोगों का जिसमें फ़ायदा हो वो काम जो किया जाता है वेलफेयर मतलब द हेल्थ हैप्पीनेस एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन और ग्रुप. तो रहने वाले लोगों का जब ध्यान रखते हुए काम किए जाते हैं और एक मिलके एक कम्युनिटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. मतलब रहने वाले लोगों के फायदे के लिए जो भी एसोसिएशन बनाई जाती है. और एसोसिएशन का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ जॉइंट पर्पस. मतलब मिलके लोग कोई काम अच्छा करने के लिए जो ग्रुप बनाते हैं वो होता है उनका एसोसिएशन. तो A Residents Welfare Association is a civic body which is formed by the members of a colony in a city town to look after the welfare of its residents. तो RWA मतलब Resident Welfare Association क्या चीज़ है? एक ऐसी संस्था है जिसमें जो वहाँ के कॉलोनी के जो लोग होते हैं वो ही मिलकर बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? जिससे वहाँ के लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके अच्छे के लिए जो भी काम करने होते हैं तो कुछ लोगों को उनका कुछ लोगों को उन कामों को करने की जिम्मेदारी दी जाती है और वो उन कामों का ध्यान रखते हैं कि कैसे इन कामों को ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है. तो फिर उस कॉलोनी में सारे काम अच्छी तरीके से चलते हैं. The residents of the colony elect the members of its RWA. जो वहाँ residents मतलब कॉलोनी में रहने वाले जो लोग होते हैं, elect मतलब उनका चुनाव करते हैं, चुनते हैं कि किसको उस काम के लिए हमें अपना लीडर बनाना है. तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो उसके जो members होते हैं वो चुनते हैं कि कौन उस काम अच्छे कामों को वेलफेयर के वहाँ पर रहने वाले लोगों के वेलफेयर के कामों को करेगा. वन मेंबर इज चूजन टू लीड द कमिटी. उनमें से किसी एक को चुना जाता है जो सबका लीडर होता है, कमिटी का लीडर होता है. कमिटी मतलब जो जैसे कोई भी अच्छा काम करने के लिए या कोई भी काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया कि हम सब मिलके इस काम को अच्छा करेंगे या ठीक करेंगे, सुधार लाएंगे, तो वो हमारी हो गई कमेटी, है ना. और हमने उनमें से किसी एक को अपना लीडर बना लिया कि ये जो बोलेगा हम सब मिलके इसकी बात मानेंगे और हम उस काम को करेंगे. जैसे आपको पता है कि स्कूल में जैसा प्रिंसिपल मैम रूल बनाती हैं और वो सारे रूल्स जो आप बच्चों के पढ़ाई के लिए आपके सारी पढ़ाई आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी अच्छे रूल्स होते हैं मैम वो निर्धारित करती हैं, वो डिसाइड करती हैं. फिर वो रूल्स आपके टीचर्स और आप खुद सब मानते हैं तो आप और आपका स्कूल अच्छा बनता है. उसी तरीके से कमेटी में क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम है वैसे ही कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और उनके अलावा
उस गवर्निंग मेंबर्स में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं और ट्रेजरर होते हैं। तो जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम हो गई, फिर टीचर्स हो गए, फिर टीचर्स के साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो भी आपके लिए जो अच्छा है वो सारी चीज़ें मिलके सब लोग करते हैं। तो इस तरीके से ही रेजिडेंट्स भी अपने लिए ऐसी कमेटी बनाते हैं जिससे उनकी उन्नति के लिए, उनके लिए जो भी परेशानियाँ हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं और वो उन चीज़ों का सबका ध्यान रखते हैं। एवरी गवर्निंग बॉडी मेंबर हैज़ अ पर्टिकुलर ड्यूटी टू परफॉर्म। फिर इसमें भी लिखा हुआ है कि जैसे जितने भी उसमें मेंबर्स हैं उन सब के लिए अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग काम, पर्टिकुलर मतलब एक विशेष काम उन लोगों को दिया जाता है कि ये आपको अपने ग्रुप का काम करना है। जैसे किसी को काम दिया गया कि आप पैसों का पूरा इंतज़ाम रखोगे, किसी को काम दिया गया कि है ना बाहर जाके ऑफिस में किसी से कांटेक्ट करना है तो आप ये वाला काम करोगे। तो ऐसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। तो सबका विशेष पर्टिकुलर ड्यूटी होती है, अलग काम होता है। एज द मेन एम ऑफ RWA इज अ वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स, सम ऑफ इट्स फंक्शंस आर एज अंडर। फंक्शंस मतलब कुछ उनके काम। रेजिडेंट्स का मतलब अभी आपको बताया था कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो भी किसी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो उनके लिए क्या क्या काम करने हैं वो जरूरी जो भी हैं उनका निर्धारण करते हैं। अब उसके बाद उसमें सबसे पहला काम क्या आया, लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेलिंग इज INFRA फ्रास्ट्रक्चर STRUCTUR। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वहाँ की जो बिल्डिंग है उसका किस तरीके से उसकी संरचना है, मतलब वो अंदर से कैसी बनी हुई है, उसके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है या वहाँ पे रोड्स नहीं हैं या रोड्स का मेंटेनेंस रखना है। मेंटेनेंस का मतलब उनकी में अगर कोई ख़राब, एक तो ये चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन का मतलब तो होता है बनाना और मेंटेनेंस का मतलब होता है देखभाल करना। तो वहाँ के कॉलोनी के में कुछ नया बनना ज़रूरी है तो वो बनवाना और चीज़ों का मेंटेनेंस करना, उनकी देखभाल करना। अब उनमें क्या क्या किस किस चीज़ की कर रहे हैं, रोड की, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट। रोड आपको पता है, ड्रेनेज का मतलब हो गया जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, डर्टी वाटर जिसको आप नालियाँ बोलते हो हिंदी में, है ना। तो ड्रेनेज जो होता है उससे पानी का जो सिस्टम है कि कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ किसके लिए और इकट्ठा करना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ इकट्ठा किया जाता है। तो गंदा पानी नहीं लेकिन रेन वाटर तो कलेक्ट किया ही जाता है। तो ये सारे काम ड्रेनेज में आते हैं। मेक प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट ऑफ द कॉलोनी। अब क्या करते हैं, एक और काम क्या करते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट, उनकी सुरक्षा के लिए, लोग जो वहाँ रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कॉलोनी में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि गार्ड्स रखे जाते हैं, गार्ड मतलब चौकीदार रखे जाते हैं कॉलोनीज में। जैसे आपके स्कूल में भी गेट कीपर अंकल हैं, है ना, तो वो आपके लिए गेट पे क्यों होते हैं, जिससे आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा जना ना आ जाए जिससे आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। और दूसरा, मेंटेनिंग द ओपन स्पेस लाइक पार्क्स ऑफ द कॉलोनी। और ओपन स्पेस, पार्क की ज़रूरत आप बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि आपको तो खेलना है और आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए कॉलोनीज में पार्क्स बनाए जाते हैं। तो ये कौन ध्यान रखता है, RWA मतलब रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ये ध्यान रखती हैं कि पार्क बनने चाहिए कॉलोनी के अंदर। फिर है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द रेजिडेंट्स रिगार्डिंग इश्यूज लाइक कीपिंग द कॉलोनी क्लीन, लुकिंग आफ्टर द हेल्थ ऑफ रेजिडेंट्स, मेंटेनिंग अ हेल्थी एनवायरनमेंट एक्सेट्रा इन द कॉलोनी। अब
स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना क्या, कीपिंग द कॉलोनी क्लीन, कि हमें कॉलोनी को साफ रखना है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जब कॉलोनी साफ रहेगी तो वहाँ के लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे अभी के अभी आपको पता है कि आप अपनी क्लीनिनेस का, आप अपनी पर्सनल क्लीनिनेस का खूब ध्यान रख रहे हो कि हैंड वॉश कर रहे हो, और आपको ये पता है कि है ना, अभी आजकल जो भी कॉलोनीज है वहाँ ध्यान रखा जाता है कि कोई भी है ना बाहर वाला ज़्यादा ना आए, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कौन ध्यान रख रहा है? ये RWA जो बनाई जाती है कॉलोनीज में, वो ध्यान रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के हेल्प से। फिर है सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट्स एंड फेस्टिवल विद एंथुसियाज्म। तो सेलिब्रेशन इवेंट में हो गया, जैसे 26 जनवरी सेलिब्रेट करना है, 15 अगस्त सेलिब्रेट करना है, फेस्टिवल्स हो गए ईद, होली, दिवाली, इन सबको पूरे एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है, जिससे सबको अच्छा लगे और सब एंजॉय करें और उस फेस्टिवल के बारे में, उस इवेंट के बारे में लोगों को पूरा पता चले कि क्यों मनाया गया। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सोशल फंक्शंस, फीट एक्सेट्रा, और मील्स का मतलब जैसे कभी कभी डिनर रखा जाता है, सोशल फंक्शंस रखे जाते हैं, जैसे किसी का कोई अपनी कॉलोनी में कोई बहुत अच्छा, किसी को कोई बहुत बड़ी उपाधि मिली, कोई कहीं से कोई प्राइज़ मिला, तो उसके लिए फंक्शन रख दिया। फीट का मतलब कोई अच्छे अच्छे जो चीज़ें कर्तव्य हैं वो सब बताए जाते हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ रेजिडेंट एंड सेफ गार्डिंग देयर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। और किसका ध्यान रखा जाता है कि राइट्स का मतलब जो उनके अधिकार हैं रेजिडेंट्स के, कॉलोनी में रहने वालों के जो अधिकार हैं उनका, और उनकी डिग्निटी जो उनका गौरव है, और उनकी जो रिस्पेक्ट है जो उनका आदर है, वो कभी भी उसका